अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप। गलती करोगी फिर माफी मांगोगी, फिर गलती करोगी फिर माफी मांगोगी। मैं एक्चुअली पक चुका हूं तुम्हारे सॉरी से, समझी? तुम्हें एक काम करो, ये डायरी लो और इसके हर एक पन्ने पे लिख दो सॉरी, समझी तुम? ताकि आज के बाद जब भी तुम गलती करो ना, मैं तुम्हारी आवाज में ही पढ़ा करूंगा, सॉरी दिव्यम जी, सॉरी दिव्यम जी, सॉरी दिव्यम जी। लेकिन आइंदा से मुझे कभी सॉरी मत बोलना तुम। मुझे तुमसे ऐसे बात नहीं करनी चाहिए थी। लेकिन दफीम जी, हमारी गलती है। लेकिन फिर भी मुझे तुमसे ऐसे बात नहीं करनी चाहिए थी। I'm sorry. लेकिन राधिका, बार बार गलतियां नहीं हो सकती, अरे नहीं होनी चाहिए। और इसका तरीका है मेरे पास, हर काम ध्यान से करो, एकदम होशो आवाज में, समझी? अच्छा, एक बात के लिए थैंक यू भी बोलना है तुम्हें। मेरा वॉलेट इतना पुराना हो गया था कि मुझे नया वॉलेट लेना ही था, तो मेरे लिए ये पर्सनलाइज्ड नया वॉलेट लाने के लिए थैंक यू। वैसे राधिका, तुमने मुझसे वादा तो किया कि तुम कोई गलती नहीं करोगी, तो तुम्हें ये तो पता ही होगा ना कि ऐसे वॉलेट कभी खाली नहीं देते, कुछ तो इसमें शगुन रखना होता है। दिव्यम जी, हम जानते हैं, हमने शगुन के 11 रुपए पहले ही रखे, आप देखिए। क्या बात है राधिका, ये तो पूरे 11 रुपए, अब लग रहा है ना मैं एकदम अमीर हो गया, रिच। हाँ, अच्छा है कि लकड़ियां सूखी हैं, होलिका दहन में अच्छे से जल जाएंगी। लगता है होली के लिए जो मिठाई और नाश्ता मंगवाया था वो आ गया है। मम्मी आइए ना, मम्मी अंदर आइए। कैसी है तू? ठीक है। कल शाम को फोन किया था, फोन क्यों नहीं उठाया मेरा? मम्मी वो ना कल हम जल्दी सो गए थे, आप बैठिए। हाँ हाँ, बेटा वो ऊपर। अरे अनुराधा जी। हाँ, नमस्ते समनन जी। नमस्ते। आज होली है ना, मिठाई लाए हैं हम, ये लीजिए। धन्यवाद। अगर आप आने से पहले हमें खबर कर देती तो हम आपकी पूरी तरह से खातिरदारी करते हैं। अरे हमने कल शाम को इसे फोन किया था, राधिका ने उठाया ही नहीं, इसीलिए हमने दामाद जी को मैसेज किया था। उन्होंने बताया नहीं आपको? वो क्या है ना अनुराधा जी, हमारा बेटा अपने काम में बहुत व्यस्त रहता है, अब शायद भूल गया होगा। खैर कोई बात नहीं, बेटी का घर अपने घर जैसा ही होता है, कभी भी मुंह उठाकर। हमारा कहने का मतलब है, अपना समझकर कभी भी आया जाया जा सकता है। मम्मी बैठिए ना। माँ जी बैठिए। वैसे अनुराधा जी, इतनी सारी मिठाई लाने की क्या जरूरत थी? मानते हैं आपकी मिठाई की दुकान है, लेकिन उसका जीता जागता सबूत तो खुद आपकी बेटी राधिका है। गुलाब जामुन की तरह बिल्कुल गोल मटोल प्यारी। और वैसे भी हमारे घर में
इतनी मिठाई कोई खाता नहीं है। दिव्यम को तो मीठा खाना सख्त मना है, वो तो इसे हाथ तक नहीं लगाएगा। समधन जी, हम अच्छे से जानते हैं, इसीलिए खास मेवे की मिठाई बनवाई है, वो भी गुड़ के साथ। इसमें बादाम है, अलसी है, अखरोट है, यही सब चीजें डाली है। अरे नमस्ते आंटी। नमस्ते। अरे वाह, इसका मतलब हम होली पे दबा के लड्डू खा सकते हैं। बेटा, आपको बहुत गर्मी लगती है क्या? ऐसे सूती कपड़े क्यों पहने? मम्मी, आप ये सब छोड़िए ना, आप अकेली आ गई, पापा और दादी को साथ में लेकर नहीं आई। बेटा, तू तो जानती है जब त्योहार होता है तब बहुत सारा काम होता है, तेरे पापा को बहुत सारी मिठाइयाँ डिलीवर करनी होती है, तो वो वहाँ चले गए, हम यहाँ आ गए तुझसे मिलने। हम एक बार ये मिठाई देख लेते हैं। हाँ हाँ, देखो। माफ कीजिएगा आंटी जी, गलती से गिर गया। कोई बात नहीं बेटा, तुमसे काम सही से नहीं हो सकता है। हाँ, अब ये साफ करो। हाँ, हम अभी कपड़ा लेकर आते हैं। बेटा, बाथरूम कहाँ है? हम साफ कर लेते हैं। जाके हमारे कमरे में साफ कर लीजिए, तब तक हम ये मिठाई के डब्बे रख देते हैं। इस वक्त कमरे में ना राधिका है और ना दिव्यम। मैं दिव्यम का आराम से सारा सामान चेक कर सकती हूँ। पता तो चले कि आज भी दिव्यम के दिल में किसी कोने में मैं मौजूद हूँ या नहीं, कोई तस्वीर या फिर कोई निशानी उसने कहाँ छुपा के रखी होगी या नहीं। दिव्यम के कपड़ों के साथ हीरे कपड़े होने थे। इस कमरे, इस घर, दिव्यम की हर एक चीज पर मेरा हक और मेरा नाम होना चाहिए था। खैर, राधिका को तो ये सब मैंने खैरात में दिया, जो कि मैं वापस छीन कर रहूंगी। कहीं तो मेरी तस्वीर छुपी होगी। कह रही हूँ काया, मैं तुम्हारे लिए अपनी शादी का मंडप छोड़ के आया हूँ। क्यों? क्योंकि मैं तुमसे प्यार करता हूँ, तुमसे शादी करना चाहता हूँ। क्योंकि मैं तुमसे प्यार करता हूँ, तुमसे शादी करना चाहता हूँ। दिव्यम, इसमें आज भी तुम्हारी प्यार की खुशबू आती है। अरे राधिका, चाची, काया बेटा, तुम यहाँ क्या कर रही हो राधिका के ससुराल में? और वो भी उसके कमरे में? चाची, आप कैसी हैं? मैं ठीक हूँ बेटा, लेकिन तुम्हें इतनी सारी चोट कैसे आई और तुम यहाँ कितने दिन से हो? हम बताते हैं मम्मी। वो राधिका, मैं ये बाम लेने आई थी और गलती से जैकेट गिर गया, तो बस उसे रख ही रही थी। लाओ काया, हम रख देते हैं। यहाँ कितने दिन से है? और राधिका, तुमने हमें बताया नहीं। वो हम आपको बताना चाह रहे थे लेकिन बताना भूल गए, और हमें ऐसा भी लगा कि
काया जिस हालात में हमें मिली है आप अगर सुनेंगी तो बहुत परेशान हो जाएंगी। मतलब किस हालत में मिली? चाचा जी और चाची काया से बहुत ज्यादा नाराज है, इसलिए काया हमारे साथ रह रही है। राधिका, तुम्हारे ससुराल वाले नहीं, सब तो बहुत अच्छे हैं, उन्हें कोई आपत्ति नहीं है। और आप ये सारी बातों की चिंता मत कीजिए, हमने चाय चढ़ा दिया, आप चलिए हमारे साथ नीचे आइए। काया तुम भी चलो। थैंक यू। माँ जी कहीं दिखाई नहीं दे रही हैं? वो माँ तीर्थ के लिए गई हुई है, और कुछ दिनों में वापस आ जाएंगे। अच्छा, आंटी आप भी लीजिए ना। नहीं नहीं बेटा, थैंक यू, हमें नहीं चाहिए। काया बेटा एक काम करो, अपना सामान बांध लो और हमारे साथ चलो। ये चाय की तो हमारा कुछ तो काम होगा। चाची आपके साथ में कैसे? हाँ बेटा, काया बेटा कैसी बातें करती हो, हमारा घर भी तो तुम्हारा ही है, और तुम तो जानती हो कि अम्मा जी तुम्हें कितना प्यार करती हैं। तुम घर चलोगी ना तो बहुत खुश हो जाएंगी। बेटा हमारे यहाँ रहोगी ना तो तुम्हारे मम्मी पापा से बात भी कर लेंगे और उन्हें मना भी लेंगे। ऐसे बहन की ससुराल में रहना अच्छी बात नहीं होती। जा अपना सामान ले। अनुराधा जी, काया राधिका की बहन हमारे लिए घर की बेटी जैसी है, अगर वो यहाँ रहना चाहती है तो उसमें हमें कोई परेशानी नहीं है। ये तो आपका बड़प्पन है, लेकिन लेकिन राधिका को समझना चाहिए ना, अगर हमें बताती तो हम इसका ख्याल रखते थे ना। काया बेटा तुम और राधिका साथ में ही तो पले बड़े हो, दूसरे के घर में चाहे कितना भी आराम मिले लेकिन अपना घर तो अपना ही होता है ना। बिल्कुल सही कही आपने अनुराधा जी, अपने घर में अलग ही आराम है। क्यों सुजाता, सही कहा ना मैंने? जी भाभी। मम्मी शायद आप ठीक ही कह रही हैं, वैसे भी काया यहाँ पे सबसे अभी सही से घुल मिल नहीं पाई है, शर्म आती है उसे। अपने घर में जाएगी तो उसे अच्छा लगेगा और वहाँ जल्दी ठीक हो जाएगी। नहीं नहीं राधिका, ऐसा कुछ भी नहीं है। बस मुझे अब कुछ नहीं सुनना है। राधिका तुम इसका सामान बांधने में मदद करो, हम इसे अभी लेकर जाएंगे। काया मम्मी सही कह रही है, तुम मम्मी के साथ चली जाओ, वहाँ पे तुम्हें अपनापन महसूस होगा। चलो तुम्हारा सामान बांधने में हम मदद कर देते हैं। हम राधिका के पापा को भी बता देते हैं, वही सही रहेगा। अगर काया इस घर से गई तो हमारे पूरे प्लान पर पानी फिर जाएगा। क्या हुआ सुजाता, तुम इतनी परेशान क्यों हो? अच्छा तुम यही सोच रही हो ना कि आज ये बहन जा रही है, उसके साथ अगर गोलमुखी भी चली जाती बहुत मजा आता है ना। हाँ, पर देखो वो यहीं पर ही विराजमान है। जी भाभी सही कह रही हैं। लेकिन तुम दिल छोटा मत करो, आज ये बहन जा रही है, कल हो सकता है ये गोलमुखी भी उसके साथ चली जाए। काया तुम चिंता मत करो, मम्मी ना बहुत अच्छे से तुम्हारा ध्यान रखेंगी, और मम्मी पापा मिलके ना चाचा चाची को भी मना लेंगे। अरे यार कहाँ फंस गई मैं, अगर मैं यहाँ से गई तो दिव्यम को पाने का आखिरी मौका मैं हमेशा के लिए खो दूंगी। ये किसकी फोटो है?
से जली हुई क्यों है? ऐसे ही पुरानी फोटो है, गलती से जल गई। लो मैं रख देती हूँ। अनुराधा जी, अगर काया हमारे घर रहेगी तो उसमें हमें कोई परेशानी नहीं है। अरे ऐसे कैसे समन जी, आप माँ आप? अरे दामाद जी कैसे हैं? खुश रहिए, कैसे हैं आप? एकदम बढ़िया। अच्छा वो मुन्ना तू आ गया। देख अनुराधा जी कह रही हैं कि काया उनके साथ जाए। अगर काया यहाँ पर रहेगी अपनी बहन के साथ तो शायद जल्दी ठीक हो जाएगी। माँ वैसे सोचने जाओ तो मम्मी सही कह रही है ना, काया अगर राधिका के घर पे रहेगी तो उसे ज्यादा अच्छा लगेगा। हाँ उसके लोग हैं, उसका परिवार है, सब लोगों के बीच में रहेगी तो ज्यादा अपनापन महसूस करेगी और हो सकता है कि ज्यादा जल्दी ठीक हो जाए। बिल्कुल सही कहा। देखो हम भी यही कह रहे थे ना। चलो काया आ जाओ। दे दो बेटा, दे दो। आप सब लोगों ने मेरी बहुत मदद की, उसके लिए थैंक यू। आंटी प्लीज कुछ कीजिए। हम कुछ नहीं कर सकते हैं काया, जो भी करना होगा वो तुम्हें ही करना होगा। अगर हमें ज्यादा बोला तो घर वालों को शक हो जाएगा। चलो बेटा चलते हैं। मम्मी मैं आपको छोड़ देता हूँ घर पे। अरे नहीं नहीं बेटा, हमने टैक्सी बुक की है, आ ही रही होगी। मैं रुकिए मैं वो ले लूंगा। काया अपना ख्याल रखना। चलो आ जाओ। एक बार दिव्यम की जिंदगी से जाकर गलती की थी, दोबारा ये गलती नहीं कर सकती। काया? काया क्या हुआ? काया क्या हुआ? काया क्या हुआ? काया हो गया बेटा। काया रखा। काया इसे क्या हुआ? हो जाओ काया। काया क्या हुआ? काया काया क्या हुआ? एक मिनट में डॉक्टर को कॉल कर। हाँ हाँ। काया काया हो गया कितनी बदबू आ रही है। इस गली को तो मैं छोड़ूंगी नहीं, कोई उल्टी ना हो जाए। राधिका जल्दी से मुझे रोक। माँ डॉक्टर आ रहे हैं। कली ये क्या कर रही हो तुम? पर देवर जी मेरे गांव में इसका यही इलाज है। हाँ दिव्यम बेटा मैंने भी सुना था। ताई जी ऐसा कुछ नहीं होता, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। डॉक्टर आ रहे हैं ना, वही देखेंगे। दिव्यम को कितनी फिक्र है काया की। हमारा मतलब है राधिका की बहन की। माँ बात फिक्र की नहीं, इन दक्षिणानुसी नुस्खों पर मुझे ऐसे भी बिल्कुल विश्वास नहीं। जल्दी से सोफे पर ले जाके लिटाते हैं। मामी मदद कीजिए। हाँ उठा, आराम से आराम से आराम से उठाना। काया को जैसे ही होश आएगा हम इसे घर ले जाएंगे, वहीं डॉक्टर को भी बुला लेंगे। हे भगवान, इतना नाटक के बाद भी कहीं मुझे घर से ना जाना पड़े। नहीं मम्मी, काया को ना कुछ दिन यहीं पर रहने देते हैं। देखिए ना
उसकी मानसिक स्थिति सही नहीं है, वो भी बहुत डरी हुई है। पर बेटा अपने घर जाने में कैसा डर? मम्मी प्लीज, वैसे भी दादी की तबीयत खराब रहती है और आप उनको लेके बहुत ज्यादा परेशान रहती हैं। ऐसे में आप काया का अच्छे से ध्यान नहीं रख पाएंगी। हम हैं ना यहाँ पर, हम काया को संभाल लेंगे। संदन जी और दिव्यम जी क्या सोचेंगे बेटा? दिव्यम जी, आपको कोई परेशानी है? नहीं राधिका, तुम्हें जो सही लगता है वो करो। मम्मी आप चिंता मत करिए, आप बस अपना ख्याल रखिए। हैप्पी होली। हैप्पी होली, अपना ख्याल रखना। चलिए हम आपको बाहर तक छोड़ देते हैं। काया को ऐसे छोड़कर जाने में हिचकिचाहट तो हो रही है। हे भोलेनाथ, हमारी बच्ची पर आशीर्वाद बनाए रखना। कल होली पर दिव्यम के प्यार का रंग सिर्फ मुझ पर चढ़ेगा। जी जी रतन जी, हाँ हाँ जरूर जरूर। ओके सुजाता, ये काया को क्या हुआ? काया को चक्कर आ गए थे, बेहोश होकर गिर गई थी। अभी डॉक्टर को बुलाया, वो आते होंगे, ठीक हो जाएगी थोड़ी देर में। खैर आप सबको ये बताना था कि कल हम सबको जयपुर जाना है, फ्लाइट की टिकट्स भी हो गई हैं। दरअसल गोयनका परिवार के रतन गोयनका जी ने हमें इन्वाइट किया है, उनका बांदनी का बिजनेस है। पापा जी हम तो उनको जानते हैं, उनकी बहू रूही वो हमारी रिश्तेदार है। तो और भी अच्छी बात है, रिश्तेदारी जो निकल आई। चलो अब सब जाने की तैयारी करो। जी